दोस्तों देख सकते हैं आज दोस्तों चोटिल हो चुका है, सकते हैं काफी दर्द में इस समय। फिर से अपने यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों देखिए ग्राम भैंसे ही है, हम लोग प्रेजेंट टाइम में उस लोकेशन पर ही है, वो भैंसे में ही है जो हमारे यहाँ से कम से कम 8 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है ये भैंसे गाँव। और देखिए इस गाँव से इस भाई साहब ने ही हमें सूचना दिया है कि इनका घर है, इनके घर में एक बिग साइज का इंडियन कॉमन क्रैथ दिखाई दिया है। तो दोस्तों आप लोग पता ही है कि जो इंडियन कॉमन क्रैथ होता है वो भारत का सबसे जहरीला सांप है, जो कोबरे से 10 गुना ज़्यादा जहरीला मतलब माना जाता है, 7 गुना ज़्यादा जहरीला ऐसा लोग भी बताते हैं और ऐसा है भी। तो ठीक है दोस्तों चलिए उसको पहले पकड़ के दिखाते हैं उसका साइज क्या है और कैसा सांप है, इसके लिए आप हमारे वीडियो का जरूर बनेगा। आइए दोस्तों देख सकते हैं ईट है और इसी के बीच में वो कॉमन क्रैथ कहीं है अभी, तो इसको पहले हटाते हैं और देखते हैं कहाँ है। अब इसको हटाना पड़ेगा पूरा भैया। मैं सुनिए मैं ईट यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ से कहीं और कर दीजिए, ठीक है ना। बोलू संग्राम बैटरी रखते बैटरी रखते आप लोग चार मिनट चार्ज है चलिए गया इसमें गया जिसका डर था। देख लीजिएगा ईट हटा के डर था वही अंदर में उस पर निकलने का रास्ता अंदर दोस्तों देखिए सांप अभी इसके अंदर गया इसके पीछे, तो बिना एक तोड़े सांप नहीं भागेगा। और दोस्तों कॉमन क्रैथ साइलेंट किलर है, तो इसको तोड़ कर दोस्तों हम लोग पकड़ने वाले हैं, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। हाई दोस्तों देख सकते हैं वो सांप इतना मेहनत हो रहा है, पैखाने को तोड़े जा रहा है, शौचालय था। और देखिए यहीं पर है कॉमन क्रैथ, उसका सिर हल्का सा दिखाई दे रहा है, आप मैं चाहता हूँ आप दिखा दीजिए, हल्का सा नीचे है एकदम सिर, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, शांत रहिए बस भैया। देख सकते दोस्तों उसका सिर दिखाई दे रहा है, वही है दोस्तों कॉमन क्रैथ। अब दोस्तों इसको बिना तोड़े बाहर नहीं वो निकलने वाला है, अब इसको तोड़ कर ही हम लोग बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अभी खुद अंदर चला जाएगा। मारिए वो बाहर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, हाँ तोड़िए ऊपर से निश्चिंत रहिए। हाँ दोस्तों जैसे देख सकते हैं काफ़ी मेहनत के बाद और पूरा इनका जो शौचालय था गिराना पड़ा है सांप को निकालने के चक्कर में। और दोस्तों देखिए सांप को अब बहुत जल्द पकड़े जाने वाला है, अब देखिए बस इतना ही ईटा है, इसको निकालने के बाद उसको पकड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हाँ दिखा दीजिए यहाँ से आकर, देखिए इतना बाहर आ गया है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यही दोस्तों साइलेंट किलर है इंडियन कॉमन क्रैथ, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों बहुत टाइम से ये है, अरे वो तो ना है खंडे टूट जाए पर, हाँ वही कह सकता, थोड़ा दोस्तों देख सकते हैं आज दोस्तों चोटिल हो चुका है, दोस्तों देख सकते हैं इसको चोट लग गया है हटाते समय। और दोस्तों देखिए इंडियन कॉमन क्रैथ है, काफी बिग साइज का है। और दोस्तों देखिए गलती से हम लोग हटा रहे थे ये भाई साहब खंती से मतलब निकाले, तो शायद गलती से इसको चोट लग गया है। और दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं काफी बिग साइज का है, इंडियन कॉमन क्रैथ है। और दोस्तों ये बहुत ही फुर्तीला होता है, और देखिए क्या यहाँ पर हल्का चोट लग गया है, देखिए उसको लग रहा है वो चोट लगा है तभी आया। दोस्तों ये नर है पुरुष है, लग रहा है खंती से इसको चोट चोट लग गया है,
आप देख सकते हैं तो क्या बताएं दोस्तों। चलिए इसका हम लोग पहले हल्दी लगाने की कोशिश करते हैं ताकि इसकी जान बचा सके। इसके लिए दोस्तों इसका सिर पकड़ना पड़ेगा। तो इसका सिर पकड़ लिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं इसका लग गया है। आप देख सकते हैं घाव इंडियन कॉमन क्रैब को दिखा दीजिए दोस्तों, फट गया है, खंती से लग रहा है, इसको लग गया है चोट अभी, अनजाने जाने जाने में लगा है दोस्तों चोट इसको, तो ब्लड की ब्लीडिंग हो रहा है। चलिए इसको दोस्तों पहले इतनी हल्दी गर्म करिएगा, हल्दी तेल गर्म करिएगा, गर्म करिएगा दोस्तों। ऊपर ही बस वो लगा है, थोड़ा देखते हैं। हाँ कॉमन कर से आज चोट लगा है, खंतीस करते समय तभी बाहर निकल के भगा है। अरे अपना जान बचाने के लिए हर जानवर प्रयास करता है, हर जानवर ये भी देखे जान बचाने के लिए छुपा था, अब उसके नीचे ही था, पता नहीं चला है, जा सकते देखे लग गया है दीदी मोरा है किस तरह। तो फर्स्ट टाइम है ऐसा हुआ है कि इतना दर्दनाक चोट इस लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं काफी दर्द में इस समय सांप है, और उसको गलती से हो गया है, इस हो गया है, फिर तो बुरा नहीं है, नहीं बुरा नौजवान है दोस्तों। देखिए गर्म है, गर्म से कुछ इसको राहत मिलेगा। तो आइए थोड़ा बांधिएगा, बानी बानी चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसको कुछ राहत मिलेगा। तो सांप काफी गुस्से में भी है, उसको सांप बहुत दर्द में भी है और गुस्से में भी है, क्योंकि इसके शरीर पर घाव लगा है अभी कुछ क्षेत्र दे, चाकू को हटा दीजिएगा। सुनिए हम सब मित्र हैं, सांप पकड़ के जंगल में छोड़ते हैं, इंसानों को सांपों से बचाते हैं, सांपों को इंसानों से बचाते हैं, हमारा बचाना इनका काम है, ठीक है। अगर बचाना नहीं होता तो मलहम पट्टी नहीं मैं करता। मेरा यूट्यूब पर वीडियो आता है विशाल स्नेक सेवर, आप लोग यूट्यूब पर डालिए, वीडियो है, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, उसमें सब कुछ बताता हूँ कि सांप का लोग क्या करे क्या नहीं करे, आज सांप को मारे नहीं, सब बताता भी हूँ, तो आप वीडियो देखेंगे आप सब समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर चलिए कोई दिक्कत होता है ऐसा सांप दिखाई दे आप बताइए जरूर, मारिए मत, ठीक है। आप कभी किसी को काट लेता तब भी आप बताइए, ठीक है ना, इतना जरूर करेंगे।